बाप तो हमें कर्म योग सिखाने आए हैं। तो कर्म योग का मतलब यह है कि कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना है लेकिन बुद्धि से इतना डिटैच होकर के रहना है कि वो इंद्रिय कोई विकृति न कर सके। विकृति माना, विकृति माना विपरीत कृति। जो विपरीत कृति विपरीतकारी होता है नियम के विपरीत, उसको कहते हैं विकृति। नियम के विपरीत काम कौन सा होता है? किसी को दुख देना, वो है नियम के विपरीत काम। यह है पाप कर्म, जिसे कहते हैं विकृति, विकर्म। और सुकृति किसे कहते हैं? जो सुख देने का कर्म किया जाए, सुंदर कर्म किया जाए, वो हो गई सुकृति। तो पाप कर्म और पुण्य कर्म, सुख और दुख, ये राज भरा हुआ है कर्मों के गुह्य गति में। तो पांच पांडव बचे, एक कुत्ता बचा और हिमालय पर जाकर के गल मरे। माने ऊंची स्टेज, पुरुषार्थ की इतनी ऊंची स्टेज में जाकर के उन्होंने अपने देह अभिमान को गलाया कि न काम का असर रहा, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का असर रहा। फिर रिजल्ट क्या हुई? उन्होंने तो प्रलय दिखाई दी। क्या कि सब जलमयी हो गई? तो वास्तव में कोई ऐसी जलमयी संसार में नहीं हो जाती। ये तो ज्ञान का जल है जो सारे संसार में फैलेगा। कोई तो इस जल में तैरते रहेंगे, जैसे ज्ञान की बाढ़, जैसे जल में बाढ़ आती है तो जो नौसिखिया होते हैं या तैरना नहीं जानते हैं उनकी क्या हाल होगा? वो तो डूब जाएंगे। और जो तैरना जानते हैं, तो ये दुनिया भी है विषय सागर। इस विषय सागर में क्या, इसे वैसे विषय वासना के सागर में जो पड़े हुए हों और तैरना भी जानते हों, तैरना काहे से है? बुद्धि योग से तैरने की बात है, कोई जंगल में जाने की बात नहीं है। तो जो तैरना भी जानते हैं वो ही क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि विषय वैतरणी नदी में घुसना भी ना पड़े और पार भी हो जाए। लेकिन वो कौन पार होंगे? वो ही पार होंगे जिन्होंने टाइम से पहले बुद्धि योग के अभ्यास का पक्का अनुभव कर लिया और लास्ट घड़ी में जाकर के कहीं प्रैक्टिस करने लग पड़े तो डूबना ही डूबना होगा, पार उतरना नहीं हो सकता। तो यह है राजयोग। जिन्होंने इस राज को समझा होगा वो कर्म योग को समझेंगे, और नहीं समझा होगा तो कर्म को अलग कर देंगे और योग को अलग कर देंगे। सेवा करेंगे तो याद भूल जाएगी, और याद करेंगे हाथ पांव बैंड करके बैठ गए शिव बाबा की याद में, एक साल के लिए तपस्या वर्ष, कोई सेवा नहीं करनी, तो वो हो गए सन्यासी। परमात्मा सन्यासियों को नहीं मिलता, गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थियों को मिलता है जो कीचड़ में रह करके जीवन बिताते हैं। तो उन्होंने प्रलय दिखाई दी है कि चारों तरफ दुनिया में जलमयी हो गई। यहां जलमयी का अर्थ क्या है? ज्ञान जल की बाढ़ आएगी। इतना ज्ञान बढ़ेगा उस बाढ़ में जो तैरने वाले होंगे वो ही फिर अपने को सुरक्षित रख सकेंगे, और नहीं तो डूब जाएंगे। जिसको कलयुगी कवियों ने भी बताई दिया, आई ज्ञान की आंधी। तो जब आंधी आती है जो पावरफुल होते हैं वो तो
थमे रहेंगे और बाकी सब उड़ उड़ाए जाएंगे, उड़ाए ले जाएगी। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं हो सकती। उस जलमयी में बचेंगे कौन है? उन्होंने तो स्थूल जलमयी समझ ली कि सारी दुनिया में जल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका जल का तल इतना ऊंचा हो जाएगा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ये जितने भी धर्मखंड हैं जो बाद में इमर्ज हुए वो सब डूब जाएंगे। वो तो हुई स्थूल बात, ये स्थूल ड्रामा तो बाद में होगा, पहले क्या होगा? सूक्ष्म ड्रामा। कौन सा सूक्ष्म ड्रामा? कैसा होता है सूक्ष्म ड्रामा? होता है तो बताओ। हाँ, ज्ञान की जलमयी होगी। उस जलमयी में फिर क्या होगा है? हाँ, जितने भी दूसरे दूसरे धर्मखंड हैं, यानी धर्मखंडों में रहने वाले मनुष्य हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में, जिनके अंदर अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि से भी प्रभावित होने वाले हैं, दूसरों दूसरों की भी धारणाओं को, धर्म गुरुओं की धारणाओं को पकड़ने वाले हैं, उन्हें फिर परमात्मा बाप लिफ्ट नहीं देगा। क्यों नहीं लिफ्ट देगा? क्योंकि तुम बेविचारी हो। जब बता दिया, कान खोल खोल के रोज बताते हैं बच्चे, एक से ज्ञान सुनोगे तो अब बेविचारी, और अनेकों से सुनोगे तो क्या होगा? बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं माना तो क्या होगा? तो इसका मतलब कि अभी भी टीचर अनेक प्रकार के बनाने की दरकार है, क्योंकि टीचर जो टीच करता है उसकी याद जरूर आती है। तो एक बाप दूसरा न कोई, तो जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं हो जाती। कौन बचते हैं? जो पक्के भारतवासी मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं, जिनकी बुद्धि में पक्का निश्चय है एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप ही हमारा टीचर, एक बाप ही हमारा सतगुरु, एक बाप ही हमारा सर्व संबंधी, दूसरा कोई संबंधी नहीं। तो जिनकी अंत समय में ये धारणा 100% पक्की हो जाएगी, वो बचेंगे, बाकी सब खलास हो जाएगी।